अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे, टिप टॉप होंगे। हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस हम बहुत 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 इतना सा नहीं बहुत ही बड़े मसले पर बात करने जा रहे हैं। और वो बहुत ही बड़ा मसला, उफ़, बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला है जो कि हर बंदे के साथ पेश आता है। और वो जो ज़रूरी मसला है वो है, वो जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो क्या है जी, वो है ओपन पोर्स का मसला। उफ़, ये बहुत ही बड़ा मसला है जिसको हमने आज सॉल्व करना है, ख़ास तौर पर जहां आपके ओपन पोर्स होते हैं, क्योंकि आपके फेस के एक्सेस ऑयल की वजह से ये और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। तो जब आप मेकअप यूज़ करती हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा मेकअप में वैरायटी है जो हमारे पोर्स को छुपाते हैं, लेकिन हर वक्त तो नहीं बंदा मेकअप करके रखता है ना, मुँह धो के भी रखना पड़ता है ना घर में। तो इसलिए जी, जिन लोगों को इसका मसला बहुत बड़ा लगता है, आज हम उस मसले को छोटा करेंगे। और वो किस तरह करेंगे, वो जी हमारी आज की बहुत ही आसान रेमेडी के ज़रिए करेंगे। अब यकीन माने, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आप वाज़ह फ़र्क देखेंगी, क्योंकि मैं लास्ट ईयर इसको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था और मैंने पूरी गर्मियाँ इसको यूज़ किया था। इंशाल्लाह आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। और रेमेडी की तरफ बढ़ने से पहले जी हाँ, आप मेरे प्यारे से मासूम से क्यूट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। रेमेडी बहुत ही इजी है। आपने क्या करना है, आपने जी एक बॉल कर लेना है, हमने चुटकियों में ये बना लेनी है। आपने एक बॉल लेना है, उसके अंदर आपने क्या करना है जी, आपने एक टमाटर लेना है, पूरा दरमियाने साइज़ का टमाटर ले लेना है, ठीक है जी। आपने उस दरमियाने टमाटर साइज़ की प्यूरी बना लेनी है। इसके बाद आपने एक बड़े साइज़ का कुकम्बर यानी कि खीरा लेना है, उसको भी आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद आपने ये इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने एक आलू लेना है। आलू लेकर आपने ये देखें जी, आपने उसका पानी लिक्विड फॉर्म में उसको कद्दूकश करके, तो उसका जो लिक्विड फॉर्म है ना, आपने वो इसमें शामिल कर देना है। एक दरमियाने साइज़ का आलू लेना है और उसको कश करके उसका पानी हमने इसमें शामिल कर लेना है। उसके बाद आपने जी 3 टेबलस्पून जो है ना, वो आपने अपने लेमन के ऐड करने हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह से आपने 1 2 3 और तकरीबन 4 टेबलस्पून आपने अरके गुलाब के शामिल करने हैं इसमें। और गुलाब की पत्तियां आपने चाहे तो जो ओरिजिनल फॉर्म होती है गुलाब की, उनको कश कर लें या ब्लेंड कर लें, या आप ड्राई फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। ड्राई फॉर्म में इसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी काफ़ी देर तक चल जाती हैं। आपने 1 चम्मच अपना रोज़ पेटल्स का यानी ड्राई फॉर्म के जो रोज़ पेटल्स हैं उनको ले लेना है और आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने जी एलोवेरा लेना है और आपने जी 2 चम्मच भर के इसमें आपने ये देखिए जी, 2 चम्मच आपने भर के इसमें एलोवेरा के ऐड कर लेने हैं। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ठीक है। ये देखिए जी, ये जो हम वापस आ गए, मिक्स कर लिया है। अब इस मटेरियल को आपने क्या करना है, आपने जी इस तरह से आपने कोई भी जो ट्रे है ना आइस क्यूब फ्रीज़ करने वाली, आपने वो लेनी हो और आपने इसकी एक एक क्वांटिटी इसमें डालकर इसको भर लेना है। आप ये जी ये देखिए जी, अब इसको मैंने पूरा भर लिया और मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको लगाना कैसे है जी। आप ये देखिए, चुटकियों में ये हाज़िर हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसमें से 1 क्यूब लेना है। आपने हर रोज़ सुबह को यानी कि सुबह को आपने 1 क्यूब निकाला इसमें से और अपने पोर्स वाले पोर्शन पर और पूरे फेस पर साथ साथ ना, और ज़्यादा आपने इसको अपने पोर्स वाले पोर्शन पर ही रब करना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको रब करते जाना है, अच्छी तरह से आपने रब करना है इसको, ठीक है। अगर आपको इसको ज़्यादा चिल फील होता है तो आप इसको टिश्यू में पकड़कर या बारीक मलमल का कपड़ा लेकर उसमें आप आइस क्यूब रखें और इसको अप्लाई करें। कुछ लोगों को डायरेक्ट जो आइस क्यूब होता है वो भी सूट नहीं करता, जो बारीक बारीक हमारी वेन्स होती है ना उस पर ये बड़ा इफेक्ट डालता है। इस तरह से आपने सारे फेस पर आपने इस तरह से अप्लाई करते जाना है, ठीक है जी। ये आपने क्या करना है, जब आपने सुबह को उठना है आपने मुंह हाथ धोकर अच्छी तरह से फिर इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर। और इसी तरह से आपने रात को सोने से पहले एक क्यूब आपने रात को सोने से पहले यानी मुंह अच्छी तरह से धोकर और आपने रात को सोने से पहले इसको अप्लाई कर लेना और उसके बाद वॉश करके आपने सो जाना है। अगर आपने नाइट क्रीम को यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चले जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।